आतंकी याकूब मेमन की कब्र को सजाने पर होगा एक्शन, एकनाथ शिंदे ने कहा है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, एकनाथ शिंदे ने कहा है। याकूब मेमन बॉम्बे ब्लास्ट का दोषी था, एकनाथ शिंदे ने कहा। गृह मंत्रालय उचित कार्रवाई करेगा, आतंकी को महिमा मंडित नहीं कर सकते। अखिलेश, ये पूरा जो मसला है बहुत जल्दी पॉलिटिकल बनता जा रहा है। अखिलेश, ये पूरा मसला जो है पॉलिटिकल बनता जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही हैं इस पे? जी बिल्कुल, देखिए इसके सबसे पहले इस मुद्दे को भाजपा ने उठाया और भाजपा के जो नेता हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो सुशोभीकरण किया गया था, इसे ब्यूटिफिकेशन करने का काम महाविकास अघाड़ी सरकार पे उन्होंने डाला कि उनसे बकायदा परमिशन लेके की गई, लेकिन बीएमसी के अधिकारी ने पल्ला झाड़ लिया है कि हमारे तहत ये आता ही नहीं है। ये पूरा मामला जो है कलेक्टर लैंड में आता है और कलेक्टर जाने और बॉम्बे ट्रस्ट जो इसे मैनेज करती है, यानी कि बीएमसी ने पूरा पल्ला झाड़ लिया है। बीएमसी के अधिकारियों ने कहा है कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है। तो ये बीएमसी पे जो आरोप लग रहे थे कि बीएमसी की जो सत्ता है वो शिवसेना के पास है, तो शिवसेना के बिगर इशारे के बीएमसी परमिशन नहीं दी होगी, लेकिन अब बीएमसी जब पल्ला झाड़ रही, उसके साथ ही जो शिवसेना के लोग हैं उन्होंने बीजेपी पे पलटवार करते हुए कहा था कि जब याकूब मेमन को फांसी हुई थी तब उसकी कब्र को यहाँ पर दफनाने के लिए परमिशन किसने दी थी और उस समय गवर्नमेंट किसकी थी। तो दोनों तरफ से अब सियासी बयानबाजी जारी है, लेकिन इस बीच में ये जो जांच होनी है, जांच में ये साफ होगा कि किसके निर्देश पे ये पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया, एलईडी कब लगी, कौन शख्स करवाया, क्या धमकी वाकई मिली थी, ये पूरे मामले की जाँच होगी, उसके बाद ही सब मामला साफ हो पाएगा। ठीक है, इस पूरे मामले में धमकी का एंगल सामने आ रहा है और अब इसमें जो गहन जांच होगी उसके बाद ही सब कुछ क्लियर होता हुआ नजर आएगा और पॉलिटिकल बयानबाजी भी अब जमकर हो रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और